नमस्कार दोस्तों दोस्तों मिर्ची की खेती किसानों की सबसे पसंदीदा खेती में से एक है। इसलिए तो किसान भाई मिर्ची को सदाबहार खेती मानते हैं। ऐसा इसलिए कि इसे एक बार लगाओ और साल भर कमाओ, इसी थीम पर मिर्ची की खेती की जाती है। दोस्तों यही कारण है कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देने वाली वेरायटी, जिसका नाम है सिजेंटा का रॉयल बुलेट। जी हाँ दोस्तों, सिजेंटा का रॉयल बुलेट। दोस्तों बुलेट मिर्च होने के कारण लोग इसे देसी मिर्च भी बोलते हैं, कचहरी मिर्च के नाम से भी बिकता है। इस कारण ये जो मिर्ची है, अन्य जो पतली मिर्ची आती है, जो लंबी मिर्ची होती है, उससे अधिक कीमत पर बिकती है और मार्केट में इसका डिमांड अन्य मिर्च की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो आप इस मिर्ची का उत्पादन कर सकते हैं, आप इसे खेत पर लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप भी इस मिर्ची को लगाना चाहते हैं तो हम इसका रिव्यू दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि इसका मार्केट में इसका रिजल्ट कैसा है, किस तरीके से बिकता है, कैसे रेट में बिकता है। दूसरा यह है कि इसका खेत में परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से उत्पादन देता है, इसका पौधे की साइज कैसे होती है और इसका ग्रोथ कैसे होता है। तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट में इसकी स्थिति कैसे रहती है। तो दोस्तों यह मिर्ची जो होती है पतली मिर्ची से बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। बुलेट मिर्ची की कीमत पतली मिर्ची से 5 से 10 रुपए हमेशा एक्स्ट्रा ही बिकता है। अगर आप एक एकड़ में इस मिर्ची की खेती किए हैं और लगभग 50 क्विंटल के आसपास उत्पादन हुआ है, तो आप इसी डिफरेंस से 25 से 30 हजार की कमाई आसानी से कर सकते हैं। मिर्ची का तीखापन अन्य मिर्ची की तुलना में बहुत अधिक होता है, इस कारण इसे कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस मिर्ची की साइज की बात करें तो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की होती है और इसका वजन जो होता है पतली मिर्ची से लगभग 2 गुना होता है, इस कारण इसका प्रोडक्शन भी बहुत अधिक आता है। आप इस मिर्ची को हरी मिर्च के साथ साथ लाल मिर्ची के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मिर्ची पकने के बाद बहुत ही गहरा लाल रंग का हो जाता है और इसका तीखापन बहुत ही अधिक होता है। इसलिए आप इसे हरी मिर्ची के साथ साथ लाल मिर्ची के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। बाजार की परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं इस मिर्ची का खेत में परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले इस मिर्ची के रोपाई के बाद लगभग 50 से 60 दिनों में यह पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, जिससे अन्य मिर्ची की तुलना में 1 या 2 तुड़ाई जल्दी देखती है, जिससे रेट का डिफरेंस होता है और आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। दूसरी बात करें कि पौधा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा शाखाएं निकलती है और जितनी ज्यादा शाखाएं निकलेगी उतनी ज्यादा फल मिलेगी और उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। यह मिर्ची अधिक उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, तो आप भी अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस मिर्ची को भी लगा सकते हैं। इस मिर्ची की खासियत की बात करें कि यह पहली तुराई हो या 10वीं तुराई हो, इस मिर्ची की फल की साइज एक बराबर होती है और इसकी जो वजन होती है एक समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये आपको साल भर इस मिर्ची की अच्छी कीमत मिलती रहती है। मिर्ची की रोग में प्रमुख समस्या की बात करें तो मरोड़िया रोग और वायरस बहुत ही ज्यादा लगता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जो इस मिर्ची में बहुत कम देखने को मिलती है। यह मिर्ची इस रोग के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील है, बहुत ही कम बीमारी लगती है इसमें। तो आप इस वेरायटी का चयन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस मिर्ची की खेती कब करें, सही समय इस मिर्ची की खेती का क्या है। तो आप इसकी रोपाई अगस्त से लेकर मार्च तक कभी भी इसकी रोपाई कर सकते हैं, इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रेट की पर्पस से ध्यान दें तो आप अगस्त में इसकी रोपाई करें और अक्टूबर के आसपास आपका लगभग उत्पादन शुरू हो जाएगा। उस समय इस मिर्ची की कीमत 60 रुपए से 80 रुपए थोक में मिलती है, तो आप अगस्त के आसपास इसकी रोपाई करें और अच्छा मुनाफा लें। रॉयल बुलेट मिर्ची की कीमत लगभग 600 रुपए के आसपास प्रति 10 ग्राम उपलब्ध हो जाती है। आप इसे दुकान के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 10 से 15 पैकेट के आसपास बीज की आवश्यकता होती है। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज के परचेस कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये रॉयल बुलेट की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।